जय श्री स्वामीनारायण। एसएस जेम स्कूल सीबीएसई ट्वेल्थ बॉय श्री सहजानंद गुरुकुल मानकुआ हार्टली वेलकम्स यू ऑल टू दिस ऑनलाइन एजुकेशन। आई एम ज्योति भानुशाली एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एट स्टैंडर्ड्स एसएसटी जियोग्राफीज थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। बिफोर वी स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू इन एवरी वीडियो, जस्ट कीप योर notebook, your pen, pencil, everything with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it in your notebook. Okay, students, so in our last video, we have learned about some main roles, right? That partition of that main roles, thereafter, that distribution in world and distribution of the minerals in the India. Now students, let's see about some power resources. Okay, so mostly there are two types of power resources are there, okay, conventional and non-conventional. So let's see about that. First one, conventional. Okay, conventional resources are there which are not unconditionable usable. Means ki aise resources jisko hum unconditionally usko use nahi kar sakte. Agar usko zyada use karenge to in future, in a long future, wo khatam hone ke unke chances hain. Okay. Now let's see about this all conventional resources. So students, fossil fuels, okay, firewood, fossil fuels like coal, then petroleum, natural gas, okay, etc. These all are called conventional sources. Let's see about it. फायरवुड, ओके, फायरवुड जो है वो नॉर्मली जहाँ पे गैस की कमी है, मतलब कि जहाँ पे जो कुकिंग गैस है वो नहीं पहुँच पाता है, उसके सोर्सेस कम है, वैसी जगहों पे फायरवुड का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग, ओके। नॉर्मली फायरवुड जो है उसका यूज विलेजेस में ज़्यादा किया जाता है, और फायरवुड जो है वो पावर रिसोर्सेज का सबसे चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल रिसोर्स है। देन आफ्टर लेट्स सी अबाउट द कोल। कोल, दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. Okay, these are the use of coal. Ki iske jo energy hai to usko hum thermal power bhi बोलते हैं। व्हाट इट कॉल्ड, कोल से आपको जो एनर्जी मिलेगी उसको कौन सी एनर्जी बोलेंगे, थर्मल पावर। ओके, और कोल जो है तो वो एज अ डोमेस्टिक यूज इंडस्ट्री में भी उसका यूज किया जाता है, एंड आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट की जाती है। देन लेट्स सी अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम
पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम, जैसे कि हम नॉर्मल जानते हैं कि पेट्रोल जो है, मतलब पेट्रोलियम मींस के जो लिक्विड फॉर्म में हमको फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं वो. ओके, जैसे पेट्रोल, डीजल, देन ऑयल, दिस ऑल आर कॉल्ड पेट्रोलियम रिसोर्सेज. और नॉर्मली हम उसको व्हीकल में यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, देन अगेन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस. ओके, एंड दिस पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड. What we called it? Yes, it is also known as black gold. Because it is very expensive and rarely found it. So we call it the black gold. Now let's see about natural gas. Now students, natural gas. Natural gas is found with the petroleum products. Okay, and it's released when crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel also. Okay, जैसे कि हम जो cooking gas use करते हैं LPG, PNG. Okay, then after जो vehicles में use होता है CNG. Okay. उन सब के लिए ये जो नेचुरल गैस है उसका यूज किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जो रिसोर्सेज हैं, वो हमें मेनली माइनिंग के थ्रू मिलते हैं. जब माइनिंग की जाती है तो उसमें से हमें ये सारे मिनरल्स भी मिलेंगे, देन आफ्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो भी हमें मिलेंगे. और कई सारे ऐसे देश हैं और इंडिया के कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो रिसोर्सेज जो है वो हमें हाईली, मतलब कि काफ़ी मात्रा में मिलते हैं. ओके, देन आफ्टर लेट्स सी अबाउट सम कन्वेंशनल सोर्सेज. Conventional resources. Non-conventional resources. Now, students, non-conventional resources मतलब कि ऐसे resources जो कि हमें mining through या फिर किसी और तरीके से नहीं मिल सकते, और इनका खत्म होने का मतलब कि अगर इनका आप जितना भी यूज करें, लेकिन उनकी, उनसे मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनसे मिलने वाली जो एनर्जी है, उसका ज्यादा यूज करने से उनका खत्म हो जाने का यहाँ पे डर नहीं होता. ओके, यस, जिसको कि हम अनकंडीशनेबल यूजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस. We can use them unconditionally. Okay, उनको हमें सोच के खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. Then after, जैसे कि conventional में एक और add होगा hydel power. Hydel power means के जो energy हमें water से मिलती है. Okay, water पे turbine रख के डैम के नीचे, देन आफ्टर वहाँ से वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. इट इज कॉल्ड द हाइडल पावर, एंड दैट वी कैन यूज इन अ मल्टीपल पर्पस. देन आफ्टर
for the solar energy. As we know that the sun is extreme heat, and it is the source of the extreme heat and energy also, shine also. Okay, so and also it is the cheapest source for this energy. Okay, so we can use its energy to produce electricity. एनर्जी जैसे कि हमें पता है तो हम काफी मल्टीपल पर्पस के लिए सोलर एनर्जी का यूज करते हैं. ओके, जैसे कि फॉर यूज फॉर कुकिंग, फॉर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, देन आफ्टर फॉर डोमेस्टिक पर्पस आल्सो एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस आल्सो वी कैन यूज सोलर एनर्जी एज वाइड एज वी कैन. ओके, और उसके लिए हमें सोलर पैनल का यूज करते हैं. देन आफ्टर द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी. ओके, विंड एनर्जी जो है तो उसको विंड मिल्स के थ्रू उसको वहां से विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. नॉर्मली जो सी एरियाज होते हैं, ओशंस या फिर सीज, तो वहां पे विंड मिल्स प्लांट किए जाते हैं, विंड फार्म्स बनाए जाते हैं, एंड देन आफ्टर जो विंड्स हैं उसको काफी तेजी से उसको स्पिन करते हुए वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ओके, और इसका यूज जो है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज के लिए ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए. देन आफ्टर न्यूक्लियर पावर, नाउ स्टूडेंट्स न्यूक्लियर पावर. सो व्हाट इज न्यूक्लियर पावर? कि न्यूक्लियर पावर जो है तो वो नॉर्मली जो न्यूक्लियर्स होते हैं, ओके, उनके थ्रू जनरेट होता है, और न्यूक्लियर से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उसको हम न्यूक्लियर पावर बोलते हैं. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. ये जो यूरेनियम और थोरियम जो है वो न्यूक्लियर पावर के मेनली सोर्स है. ओके, और इसका मेनली जो यूज है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है. देन आफ्टर लेट्स सी अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी, नाउ हियर जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी जो है तो वो मोस्टली हमें अर्थ के इनर पार्ट का जो टेम्परेचर है, इनर पार्ट की जो एनर्जी है, वहाँ से मिलती है. और द हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. जो जैसे कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई जगहों पे लावा निकला है, ओके, वोल्केनो, मैग्मा, देन आफ्टर कई ऐसे नेचुरल गरम पानी के सोर्सेस भी है, ओके, जैसे कि तुलसी श्याम,
okay, it is the place where this geothermal energy found, okay, जहाँ पे गर्म पानी के झरने या फिर उसको हम कुंड भी बोल सकते हैं, तो वो पाए जाते हैं. सो दिस इज हाउ जियोथर्मल एनर्जी फॉर्म. और उसका यूज हम काफी मल्टीपर्पज यूज उसका कर सकते हैं, और उससे एनर्जी भी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी प्रोड्यूस की जाती है. देन आफ्टर द टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड, इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि हमें पता है कि टाइडल एनर्जी जो है तो वो मोस्टली, जैसे कि हमने देखा कि हाइडल एनर्जी है, तो हाइडल एनर्जी भी हमें सेम टर्बाइट को जनरेट करके मिलेगा. एंड लेकिन हाइडल एनर्जी जो है तो वो रिवर्स जो होती है, तो वहाँ पे रिवर का जो डैम होता है वहाँ पे टर्बाइन प्लेस करके ली जाती है, जबकि टाइडल एनर्जी जो है तो वो सी की जो टाइड्स होती है वहाँ पे टर्बाइन प्लेस करके ली जाती है. एंड इट इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज मोस्टली. देन आफ्टर बायोगैस, नाउ हियर बायोगैस इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी. जैसे कि जो भी कचरा होता है, ओके, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि कूड़ा होता है, ऑर्गेनिक कचरा, उसको एक काफी बड़े खड्डे में एक साथ उसको डाल दिया जाता है, एंड देन आफ्टर उस पर प्रोसेस करके इट इज बिकम द गैस. एंड ये जो बायोगैस है उसका यूज जो है एज अ कुकिंग, मतलब कि डोमेस्टिक यूज के लिए मोस्टली किया जाता है. एंड दिस इज हाउ दिस इज यूजेबल. ओके, सो नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, तो उनमें से मोस्टली डोमेस्टिक यूज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. Okay, so students, here we learned about conventional and non-conventional energy resources. तो conventional energy resources जो है, okay, जो हमारे पास resources हैं, तो अगर उनका ज्यादा use किया जाए तो उन in future वो खत्म होने का डर रहता है, जबकि non-conventional energy resources जो है तो उसमें से electricity generate करना और उसका अनकंडीशनली यूज करना, आप जितना भी चाहे उसका आप यूज करो, लेकिन वो खत्म होने का डर नहीं रहता. ओके, जबकि कन्वेंशनल है तो उसमें से कुछ सोर्सेस ऐसे हैं कि जो कि रिन्यूएबल है, हाँ, लेकिन उनको काफी टाइम लगता है, जबकि मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है. सो हियर we completed our this chapter mineral and power resources. So I hope that you all have understand this chapter very briefly. And students, now if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Okay, join Microsoft Teams meeting for your doubt solution, and also like, share and subscribe this channel, and we will meet in the next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.